हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भगवती जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निश्चय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतदार विश्वास आदि गौर भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 2। नहि अस्य वश्मनः पुंसां नहि अस्य वश्मनः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं न सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। वर्ष्मणः पुंसां वरिं न सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः न यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः न यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य
गुरे तृप्यन्ति मे सव नैयस्य वर्ष्मणः पुंसः वरिम्ना सर्वयोगिना विश्रुतो सुतदेवस्य नैयस्य वर्ष्मणः पुंसः वरिम्ना सर्वयोगिना ऋतस्तो सुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सव न नहीं हि निस्संदेह अस्य उसके विषय में वर्ष्मणः महांतम पुंसाम मनुष्यों में से वरिम्नः अग्रगण्य सर्व समस्त योगिनाम योगियों का विश्रुतौ सुनने में श्रुत देवस्य वेदों का स्वामी भूरी बारंबार पुनः पुनः तृप्यन्ति तृप्त होता है मैं मेरी असवह इंद्रिया। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनके अधिक पूज्य है न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी है और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि न तो कोई श्री भगवान के तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है, एको बहुनाम यो विद्यति कामान। वे परम पुरुष है। श्री राधा गीता गीता विशाखा देवी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गीताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 को। श्री प्रभुपाद की जय। वे परम पुरुष है और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्माएं विष्णु तत्व तथा जीव तत्व दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन है। यहाँ पर इसी अवधारणा की पुष्टि हुई है, न यस्य वर्ष्मणः पुंसाम। जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे अधिक धनवान, विख्यात, बली, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यवान नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा है। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकते। जो कोई भी परमात्मा से संबद्ध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार किया जाता है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। निसंदेह ये भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह होता है। यहाँ पर वरिष्णः शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान। कृष्ण के मुख से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वह दिव्य पद से रहता है और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न होते हैं। श्री कृष्ण से या उनके अंश से या कपिल जैसे अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। भगवद्गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है।
क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः जितना भी भगवद गीता को पढ़ता है उतनी ही उसे पढ़ने तथा समझने की भूख जागृत होती है और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यह प्रकृति है। इसी प्रकार का दिव्य सुख श्रीमद् भागवतम से भी प्राप्त होता है। हम जितना भी भगवान की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं उतना ही हम सुखी होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा आप पूछ आज की इस श्रीमद् भागवतम के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है तृतीय स्कंद 25वां अध्याय। 25वें अध्याय का नाम है भक्ति की महिमा और 25वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। नहीं अस्य वशमनः पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति ते मे असवः। सो अध्याय का नाम ही बहुत सुंदर है, भक्ति की महिमा। और तृतीय स्कंद का विषय है सांख्य योग। अध्याय का नाम है भक्ति योग और स्कंद का नाम है सांख्य योग। सो हम दोनों योग का समन्वय करने का प्रयास गुरु परंपरा की कृपा से, आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद से करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य लीला में 25वें अध्याय के 131वें श्लोक में कहा है, अतएव भागवते एति न कहे संबंध अभिजय प्रयोजन भय। अतएव भागवते एति न कहे संबंध अभिदेय प्रयोजन मय। संपूर्ण भागवतम का जो विषय है, संपूर्ण भागवतम संबंध अभिदेय प्रयोजन मय है। अर्थात संपूर्ण भागवतम का विषय क्या है, विषय कौन से है, संबंध अभिदेय और प्रयोजन। ऐसा चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के
मध्य लीला में कहते हैं। संपूर्ण भागवतम भगवान स्वरूप है ना, भागवतम कैसे है, भगवान स्वरूप है, भागवतम ही भगवान है, वास्तव में भगवान है, क्योंकि भागवतम हमको उपदेश देते हैं, भागवतम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, भागवतम से हमको भक्ति प्राप्त होती है, भागवतम में हम अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो इसलिए भागवतम ही भगवान है। भगवान को आप प्रश्न पूछने का प्रयास यदि करेंगे उत्तर तो मिलेगा भगवान के द्वारा, पर कब मिलेगा वो भगवान को, भगवान की इच्छा पर निर्भर है। परंतु वही भगवान जब भागवत के रूप में अवतरित होते हैं तो आप प्रश्न पूछे उत्तर भागवतम में मिल जाएगा। तो भागवतम ये भगवान का एकदम मर्सीफुल अवतार है। सो वो भगवान स्वरूप है, इसलिए भागवत के जो संदेश है, श्रीमद् भागवतम में जो संदेश दिए गए हैं वो भगवान के ही संदेश है। इस भाव से भागवतम का अध्ययन करना चाहिए कि प्रत्येक शब्द भगवान का शब्द है। श्रीमद् भागवतम के ही चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय के 52वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये भागवतम के 12 स्कंद का स्वरूप बतलाते हैं। भागवतम के जो 12 स्कंद है ये 12 के 12 स्कंदों का स्वरूप बतलाते हैं। प्रथम जो दो स्कंद है, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, वो भगवान के चरण कमल है। तृतीय स्कंद भगवान का पाद कमल, पाद अर्थात पैर, लेग भगवान का पाद है। अब भगवान का पाद कहां से शुरू होता है, तो टखनी से शुरू होता है, क्योंकि चरण जो है वो पहला और दूसरा स्कंद है, तीसरा स्कंद टखनी से शुरू हो जाता है। तो टखनी, पिंडली, घुटना, जंघा अर्थात एंकल, काल्स, नीज एंड थाइज, ये पूर्ण तृतीय स्कंद है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान का लेग। चतुर्थ स्कंद भगवान के शरीर का मध्य, भगवान का पोशाक और भगवान के आभूषण अर्थात चौथा चतुर्थ स्कंद। पंचम स्कंद, पांचवा स्कंद भगवान की कटी, कहते स्लेंडर वेस्ट। भगवान की कटी का वर्णन किया गया है, केले के पत्ते का जिस प्रकार से शेप होता है वैसे भगवान की कटी है, तो उसका वर्णन पंचम स्कंद में है, पांचवें स्कंद में है। छठवें स्कंद में भगवान के वक्षस्थल का और भगवान के मृदु हृदय का वर्णन है। सप्तम स्कंद में भगवान के बाहु का वर्णन है। अष्टम स्कंद में भगवान के हस्त कमल का वर्णन है, अर्थात भगवान का हस्त कमल अष्टम स्कंद है, भगवान के बाहु सप्तम स्कंद है, भगवान की गर्दन ग्रीवा नवम स्कंद है, नौवा स्कंद है, भगवान का सुंदर स्मित हास्य मुख कमल दशम स्कंद है, ग्यारहवा स्कंद भगवान का माथा है, और भगवान की सुप्रीम इंटेलिजेंस अर्थात 11वां स्कंद है, और 12वां स्कंद भगवान का, भगवान के सुंदर घुंघराले बाल, बालों के ऊपर आभूषण मुकुट और मोर पंख अर्थात 12वां स्कंद है। तो हम जिस स्कंद की चर्चा कर रहे हैं वो तृतीय स्कंद है। हम श्रीमद् भागवतम का जब अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि दशम स्कंद सबसे विस्तृत है। दशम स्कंद बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और दूसरे नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे यदि कोई स्कंद है तो वो तृतीय स्कंद है। इसमें दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण नाम रूप गुण और लीलाओं का वर्णन है, तो तृतीय स्कंद में कपिल देव जी के लीलाओं का वर्णन है। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण स्कंद होने के कारण श्रील प्रभुपाद जी ने हमको एक छोटा सा ग्रंथ इसके ऊपर दिया है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल, है ना, कपिल देव की शिक्षाएं। हाँ, सो ये इतना विस्तृत स्कंद होने के कारण और इतना महत्वपूर्ण विषय होने के कारण श्रील प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ ही छोटा उसके ऊपर
लिपिबद्ध किया है और हमको तृतीय स्कंद का अच्छा ज्ञान होने के लिए प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमको वो ग्रंथ दिया है, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। और प्रभुपाद जी ये ग्रंथ पढ़ने के लिए हमको आग्रह करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक भक्त ने ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सो कपिल देव इस ग्रंथ में, इस स्कंद में 360 श्लोक्स में, 360 श्लोकाज में सांख्य योग और भक्ति योग का वर्णन करते हैं। सांख्य योग अर्थात ऐसा सांख्य योग जो भक्तिमय हो, भक्तिमय सांख्य योग का वर्णन कपिल देव 360 श्लोकों में करते हैं। और ये जो 360 श्लोक्स है, ये श्लोकों को एसेंस ऑफ डिवोशन कहते हैं, भक्ति का सार। 25वें अध्याय से तो 33वें अध्याय तक यहां बैठे हुए प्रत्येक भक्त ने अध्ययन करना चाहिए, न केवल यहां बैठे हुए, संपूर्ण भक्त समुदाय ने इस 9 अध्याय का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एसेंस ऑफ डिवोशन, भक्ति का सार है। कपिल भगवान ने उसका वर्णन किया है। और इसमें भी जो 33वां अध्याय है, 33वां अध्याय अर्थात परफेक्शन ऑफ प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति की पूर्णता 33वें अध्याय में वर्णन किया गया, तीसरे स्कंद के। तो 33वां अध्याय तो सबके मुखोद्गत होना चाहिए, श्लोकों के साथ यदि मुखोद्गत होता है तो अति उत्तम। श्लोक धीरे धीरे मुखोद्गत कर सकते हैं, परंतु तात्पर्य प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसको मुखोद्गत करने का प्रयास करें, हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। सो श्री कपिल देव जी के जो उपदेश है वो उपदेश सटीक और संक्षेप रूप में भागवत वेदांत है। क्या है? संक्षिप्त रूप में और सटीक रूप में श्रीमद् भागवत वेदांत है। इतना सुंदर प्रकार से कपिल देव जी ने ये वर्णन किया हुआ। हम देखते हैं दशम स्कंद के 29 से 33 ये जो अध्याय है, ये अध्याय को एसेंस ऑफ रस, रास पंचाध्याय कहते हैं, एसेंस ऑफ ऑल रसास, जितने भी भक्ति के रस है वो रस का सार है, रस का सार है। क्या? श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के जो अध्याय है वो क्या है? रस पंचाध्याय कहते, सारे रसों का सार है। और तीसरे स्कंद के कपिल मुनि के जो उपदेश है 360 श्लोकों में, वो एसेंस ऑफ तत्व है, अर्थात तत्व के सार है। रस पंचाध्यायी रस का सार है, और कपिल मुनि के जो उपदेश है तृतीय स्कंद में वे क्या है? तत्व के सार, एसेंस ऑफ तत्व। सो तृतीय स्कंद में केवल उपदेश और चर्चा है, आप देखेंगे तो इसमें कपिल मुनि ने उपदेश दिए हैं माता देवहूति को और चर्चा है, परंतु प्राय इतर जो स्कंद है इंक्लूडिंग दशम स्कंद, उसमें क्या है, प्राय सभी स्कंदों में राक्षसों का वध है, भगवान ने शस्त्र उठाए, प्रत्येक स्कंद में भगवान ने शस्त्र उठाए। तृतीय स्कंद ऐसा स्कंद है,
इसमें जो भगवान है भगवान कपिल देव, इन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, इन्होंने क्या किया है, चर्चा किया है, उपदेश दिए, शस्त्र नहीं उठाए हैं। कपिल मुनि है, वो मुनि है, उनके पास तो शस्त्र ही नहीं था, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, परंतु एक शस्त्र था जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक शस्त्र कपिल मुनि जी के पास था जो प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको उसके ऊपर एक छोटा सा ग्रंथ दिया है, तलवार, ज्ञान की तलवार है ना, प्रभुपाद जी का छोटा ग्रंथ है। कपिल मुनि के पास एक ही शस्त्र था, वो थी तलवार। कौन सी तलवार? ज्ञान की तलवार, दिव्य ज्ञान की तलवार। ज्ञान की तलवार क्या होती है, क्या हम सब उसको पा सकते हैं? दिव्य ज्ञान की तलवार को हम अपने पास रख सकते हैं? यदि हमने अपने पास रखा तो क्या हम उसको उठा सकते हैं? और यदि हम उसको उठा सकते हैं तो क्या उस तलवार को धार है भी कि नहीं, वो भी देखना है। और यदि धार उठा भी सकते हैं और धार भी है तो क्या हम उसको योग्य दिशा में चला भी पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, किसी को भी चला, किसी के भी ऊपर चलाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उस ज्ञान की तलवार में दिव्य ज्ञान का वर्णन किया है, बहुत सुंदर प्रकार से उसको स्पष्ट किया हुआ है। ज्ञान की तलवार को यदि उठाना है, पहले तो उठाना पड़ेगा, ज्ञान की तलवार को उठाने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए, दिव्य ज्ञान की तलवार को उठाने के लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। आध्यात्मिक बल जब प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शक्ति जब प्राप्त होगी तो भौतिक बल अपने आप प्राप्त होगा, कोई विटामिन खाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक बल प्राप्त हो जाए। तो आध्यात्मिक शक्ति हमारी कौन सी है? आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास जो है वो है वैराग्य के रूप में। वैराग्य अर्थात प्रभुपाद जी हमको बताते हैं चार नियमों का पालन करो, छोड़ दो। प्रभुपाद जी प्राय सब छोड़ने की ही बात करते हैं, कभी प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि ये इंजॉय करो, प्रभुपाद जी कहते छोड़ दो। क्या क्या छोड़ो बताइए, क्या क्या छोड़ो, क्या छोड़ने का है? मांसाहार छोड़ने का है, और क्या छोड़ना है? मांसाहार में प्याज लहसुन भी आता है, वो भी मांसाहार है, वो छोड़ दो। इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें चाय कॉफी भी आ गया, छोड़ दो। और क्या है? गैम्बलिंग, छोड़ दो। और क्या है? अवैध संबंध, व्यभिचार, छोड़ दो। ये सब छोड़ना है, छोड़ना अर्थात डिटैच होना अर्थात वैराग्य। सो ये वैराग्य यदि हमारे पास है तो ये वैराग्य ही आध्यात्मिक शक्ति है, वैराग्य से ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो ये दिव्य ज्ञान की तलवार को उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति हमको वैराग्य के माध्यम से प्राप्त होती है ना। तो अब शक्ति तो मान लो सभी के पास है, यहाँ सब भक्त है, बड़े उच्च कोटि के भक्त है आप सब लोग, वैरागी है, तो सभी के पास वो बल है, वो शक्ति है जिससे ज्ञान की तलवार को हम उठा पाते हैं। उठा तो लिया प्रभु जी, जब उठाया तब देखा कि इस तलवार को धार है कि नहीं है, तलवार को धार करना होगा, बिना धार के तलवार काम नहीं करेगी। तो धार किस से प्राप्त होती है? तो धार हमको सत्संग से प्राप्त होती है, भक्तों के संग से धार प्राप्त होती है, एसोसिएशन। सो दिव्य ज्ञान शार्प, जो हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज हमको प्राप्त होता है वो शार्प हो जाता है, कैसे? एसोसिएशन के माध्यम से। अब तलवार भी उठा ली, उसको धार भी कर दिया, परंतु यदि यही पता नहीं है कि किस पे चलाना है, तो जिसके ऊपर नहीं चलाना है उसके ऊपर चला देंगे, और जिसके ऊपर चलाना है उसको तो छोड़ देंगे, है ना। तो दिशा ही पता नहीं है,
तो तलवार को चलाने की जो दिशा है वो हमको कहां से प्राप्त होती है? शास्त्र से प्राप्त होती है, शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होती है। तो जो हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तब हमको दिशा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कपिल मुनि तीसरे स्कंद में कपिल देव जी हमको ये ज्ञान की तलवार प्रदान कर रहे हैं, ताकि ये तलवार को लेके हम चलाए, किसके ऊपर चलाए? माया के ऊपर चलाए। माया के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, गोपाल जी कहते हैं, है ना? प्रत्येक भक्त एक माया के विरुद्ध एक बॉम्ब का कार्य करता है, है ना? जगह जगह अपने ज्ञान को बताकर वो अज्ञान को ब्लास्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान का महत्व है जो कपिल देव हमको तीसरे स्कंद में देते हैं। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय के 12वें श्लोक में दिव्य ज्ञान के विषय में बताया गया है। व्हाट इज दिव्य ज्ञान? दिव्य ज्ञान क्या है? ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र मात्म प्रसाद उतयत्र गुणोश्व संगह कैवल्य सम्मत पतस्त्व भक्ति योगह को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भवरे पूरी तरह थम जाती है। वेव्स ऑफ मटेरियल लाइफ, सांसारिक जीवन की भयंकर लहर, अनेकों लहरें हैं, उसमें 6 लहरें बड़े प्रसिद्ध है, बड़े डेंजर है। अनेकों लहरें हैं इस भव सागर की उठने वाली, उसमें 6 लहरें बहुत घातक है, बहुत भयंकर है। इसमें व्यक्ति डूबते ही रहता है। एक लहर आती है वो डुबा देती है, फिर जैसे तैसे थोड़ा ऊपर आता है दूसरी लहर आती है फिर डुबा देती है, फिर जैसे तैसे ऊपर आता है फिर तीसरी लहर आती है फिर डुबा देती है। तो ये भौतिक जीवन की ये जो लहरें है, विशेषकर 6 लहरें, कौन सी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भूख और प्यास। ये क्या करती है? ये हमको डुबाने का ही कार्य करती रहती है नित्य। तो इसमें कहा गया है ये दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है वो भौतिक गुणों की लहरें पूरी तरह थमा देता है, उसको शांत कर देता है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। आत्मतुष्टि प्रदान करता है ऐसा ज्ञान। और कैवल्य सम्मत पथस्त्व भक्ति योग, कैवल्य सम्मत पथ है। कैवल्य जीव गोस्वामी पाद कैवल्य का जब वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कैवल्य अर्थात भगवान श्री नारायण। कई बार कैवल्य को दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, परंतु एक जगह जीव गोस्वामी पाद कैवल्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कैवल्य अर्थात भगवान श्री नारायण। तो क्या कहा गया? कैवल्य सम्मत, भगवान नारायण के, भगवान श्री विष्णु के सम्मत पथस्त्व पथ है। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान श्री विष्णु के सम्मत या भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री नारायण ने दिया हुआ पथ है। और वो क्या है? तो कहा गया है भक्ति योग। कैवल्य सम्मत पथस्त्व भक्ति योग अर्थात ये जो दिव्य ज्ञान है वो भगवान नारायण ने दिया है, और ये दिव्य ज्ञान ही भक्ति योग है। ये दिव्य ज्ञान भक्ति योग का मार्ग ही दिखाता है, इस प्रकार से बताया गया है। का को निवृतो हरि कथा सुरतीन कुरियात। फिर कहा गया है कि भला ऐसा कौन सा मनुष्य है जो रति न कुरियात, जिसकी इसमें रति न हो, इस दिव्य ज्ञान में जिसकी रति न हो, जिसका इंटरेस्ट न हो, ऐसा कोई संसार में मनुष्य है? नहीं है। और यदि है आपके नजर में कोई तो अति दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य है, भगवान से दूर भागते रहता है। जो भगवान से दूर भागते रहता है वो दुर्भागी है। यही संबंध ज्ञान है, इसी को संबंध ज्ञान कहा गया है।
कि जो संबंध ज्ञान हमारा भगवान से संबंध दृढ़ कर देता है, जो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान भगवान के साथ हमारा संबंध अति दृढ़ कर देता है। अब यही दिव्य ज्ञान को भक्ति योग कहा गया है और इसी अध्याय को, अध्याय 25वें अध्याय को भक्ति योग की महिमा कहा गया है। इस अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग की महिमा। और दूसरे स्कंध में दिव्य ज्ञान को भक्ति योग कहा गया था 3rd अध्याय में, और 3rd स्कंध के 25वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा कही गई, अर्थात विषय को कंटिन्यू किया जा रहा है। सो अब देखिए 25 से लेकर तो 33 तक भगवान कपिल देव जी ने सांख्य योग और भक्ति योग का वर्णन किया है, परंतु जब सांख्य का वर्णन किया है तो सांख्य की शुरुआत उन्होंने 25वें अध्याय के भक्ति योग की महिमा से की है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सांख्य योग का फाउंडेशन क्या है? भक्ति योग। बिना भक्ति के सांख्य कुछ नहीं है, बिना भक्ति के सांख्य योग इज नथिंग, ओनली ड्राइनेस है, सूखा सूखा है। सो विशेषकर हम देखते हैं कि दो विषय की प्राय चर्चा होती है आध्यात्मिक जगत में। पहला विषय है संबंध ज्ञान, अर्थात सत्य का ज्ञान कहते हैं, परम सत्य का ज्ञान, जिसमें जिसको हम कहते हैं संबंध ज्ञान, जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। सो प्राय सभी उसको परम सत्य का ज्ञान कहते हैं। ये एक विषय होता है प्राय चर्चा का। और दूसरा विषय होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये दो महत्वपूर्ण विषय होते हैं चर्चा के प्राय। अब संबंध ज्ञान के विषय में यदि देखा जाए तो हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? बिना संबंध ज्ञान के, बिना संबंध ज्ञान के शुद्ध नाम जब संभव नहीं। ये कौन कहते हैं? नामाचार्य कहते हैं हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि। बिना संबंध ज्ञान के शुद्ध नाम जप संभव नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शुद्ध नाम जप किसी पर भी निर्भर नहीं है, ये भी बात कही जाती है। सुना है नहीं? दोनों बातें सुनी है। हरिनाम चिंतामणि में स्वयं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु का कहते हैं बिना संबंध ज्ञान के शुद्ध नाम जब संभव नहीं है। और प्राय ऐसा भी हम कहते हैं कि हरिनाम जब किसी पे भी डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। जैसे अजामिल ने भी भगवान के नाम का उच्चारण किया, अजामिल एकदम डेस्परेट हो गया, आउट ऑफ डेस्परेशन, अर्जेंसी में, इमरजेंसी में। प्राय भगवान का नाम इमरजेंसी में लिया जाता है, संसार में लोग भगवान का नाम कब लेते हैं? जब सबके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, प्रचंड ऐश्वर्य है, सारे आप तो स्वकीय संबंधी, सगे संबंधी सब आसपास है, सब मान सम्मान करते हैं, संसार में बड़ा सम्मान होता है, तो क्या कोई भगवान का नाम लेगा? लेगा? नहीं लेगा। क्या आवश्यकता है? नो नीड। कोई इमरजेंसी थोड़ी है भगवान का नाम लेंगे। हमको लोग बताते हैं, संसारी लोग कभी हमको धोती कुर्ते में माला के साथ देखते हैं, बोलते क्या प्रभु जी अभी इतना क्या जरूरी है भगवान का नाम लेना, इतनी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोरोना के 2 साल में ऐसे ऐसे लोगों ने हमको पूछा कि कोई उपाय बताओ, आप तो भक्ति करते हो, आप तो भगवान के शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र में कोई उपाय बताओ। हमने कहा
हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्तः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अजामिल ने भी नाम लिया और मुक्ति मिल गई। अरे अजामिल की तो बात छोड़ो, शिशुपाल ने भी नाम लिया भगवान। कितनी बार नाम लिया भगवान, भगवान से वचन लिया हुआ था बाल्यावस्था में। दोनों मौसेरे भाई थे, शिशुपाल और भगवान कृष्ण मौसेरे भाई। शिशुपाल का जन्म हुआ तो बड़ा विकृत जन्म हुआ वो शिशुपाल का, है ना, तीन तीन आंखें तीन तीन हाथ, इस प्रकार से विकृति थी। तो उनकी माता बड़ी चिंतित हो गई, इसका क्या होगा, ये ऐसा कैसा विकृत जन्म हुआ। तो उनको कहा गया, ये बालक जिसकी गोद में बैठेगा उसकी गोद में बैठते से ही इसकी जो विकृति है वो चली जाएगी, ये तो हो जाएगा। परंतु वही बालक बाद में अंत में इसकी इसका वध करेगा, इसकी मृत्यु का कारण वही बालक। और कृष्ण छोटे थे तो कृष्ण ने शिशुपाल को अपने गोद में ले लिया। गोद में लेते से सारी विकृति चली गई, नॉर्मल इंसान सादा सर्वसाधारण मनुष्य बन गया। तो सब घबरा गया, ये तो इनको मारने वाला है भविष्य में, अब क्या किया जाए। तो भगवान से वचन लिया कि आप इसको नहीं मारोगे, वचन। तो वचन दिया भगवान ने, नहीं मारूंगा, परंतु एक मर्यादा तक सहन करूंगा, मेरी भी मर्यादाएं हैं। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, भगवान अनंत है अमर्याद है, क्योंकि भगवान की सहनशीलता भी बहुत विशाल है, बहुत सहनशील है भगवान। परंतु एक बात को ज्यादा देर सहन नहीं कर सकते भगवान, कौन सी बात, अहंकार ईगो। कुछ समय तक उसको भी सहन करते हैं परंतु उसकी मर्यादा है, उसके बाद भगवान अहंकार को सहन नहीं करते। तो शिशुपाल को भी इसी प्रकार से भगवान ने बहुत सारे अवसर दिए। शिशुपाल भगवान का नाम लेता रहा, कृष्ण कृष्ण ऐसा कृष्ण वैसा कृष्ण कैसा कृष्ण 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 कहता गया, उसकी भी मुक्ति हो गई। तो हरि नाम, ये इससे तो हमको पता होता है कि हरि नाम किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति के पास अमुक 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 गुण चाहिए, सद्गुण चाहिए, तभी जाके हरिनाम फलित होगा, ऐसा भी नहीं है। हम देखेंगे अजामिल शिशुपाल वगैरह इत्यादि उदाहरण है। परंतु हरिनाम की पराकाष्ठा, हरिनाम का टॉप मोस्ट रियलाइजेशन, हरिनाम की सर्वोत्तम अनुभूति यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, हरिनाम के द्वारा हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको संबंध ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्योंकि हमको भगवान से, भगवान के द्वारा मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए। और कितनी देर तक चाहिए, दो चार दिन, चार पांच साल, दस बीस साल, रिटायरमेंट तक या रिटायरमेंट के बाद, कब तक चाहिए, इटर्नल ऑलवेज, नित्य के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। सो मुक्ति लिबरेशन इज नॉट द हाईएस्ट गोल, मुक्ति हाईएस्ट गोल नहीं है, सर्वोत्तम गोल नहीं है, उद्देश्य नहीं है। प्रेमा भक्ति सर्वोत्तम उद्देश्य है, भगवान की प्रेम में सेवा मिल जाए, ये सर्वोत्तम उद्देश्य हमारा है। और बिना संबंध ज्ञान के हम यह नहीं पा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि बताया गया है वासुदेवम सर्वम इति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव सब कुछ है, सर्व कारणों के कारण है,
ये पता कैसे चलेगा? भगवान कहते ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको ये पता है, और ये पता करना ही संबंध ज्ञान है। वासुदेवम सर्वम इति, ये समझना, ये जानना, ये पता करना ही संबंध ज्ञान है। सो इसलिए भी संबंध ज्ञान हमको आवश्यक है। पहले हमने जैसे कहा 2.3.12 में जैसे बताया गया है, कैवल्य सम्मत पतस्त्वम अतः भक्ति योग। सो ये जो संबंध ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, ये दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ये भक्ति योग ही है। ये हमको भक्ति योग के मार्ग पर ही ले जाता है। सो सांख्य है, ज्ञान है, और भक्ति भी है, विश्लेषण है, और भक्ति में विश्लेषण है, एनालिसिस है, परंतु समर्पित होकर भी एनालिसिस है, विश्लेषण है, परंतु हम पूर्णतः भगवान के चरण कमलों पे समर्पित होकर विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे भगवान अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवद गीता में कहा है, अर्जुन समर्पित भाव से कृष्ण को पूछते हैं, क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो प्रुत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन क्या कहते हैं, पहले तो कह रहे थे कि जरा मैं भी देखू कृष्ण कौन मुझसे युद्ध करने का हिम्मत कर रहा है, किसकी इतनी मजाल है कि मेरे सामने आके धनुष दिखाए, कौन मेरे से युद्ध करना चाहता है, मैं जरा उसको देखना चाहता हूं, इतना विश्वास था। इस प्रकार का विश्लेषण अर्जुन ने किया था, इस प्रकार का सांख्य या विश्लेषण कहा जाए उसको, अर्जुन ने किया था। परंतु जब दोनों सैन्यों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने रथ को स्थापित किया, तब अर्जुन पूर्णतः विचलित हो गए, उनके हाथ पैर कांपने लगे, पसीने पसीने होने लगे, उनके हाथ का गांधीव छूट गया। तब अर्जुन कृष्ण को यह श्लोक कहते, कार्पण्य दोषो प्रुत स्वभाव, हे अर्जुन, मैंने जो सांख्य योग का अभ्यास किया था, मैंने जो विश्लेषण किया था सबका, सारे परिस्थिति का, प्रकृति का, वो कुछ काम का नहीं है, नाउ इट इज फेल्ड, मैं अब कृपण दुर्बल हो गया, अब हे कृष्ण मैं अपना धैर्य खो चुका हूं, और ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, श्रेय क्या है, कल्याणकारी क्या है, और निश्चित रूप से आप मुझे ये बताएं, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। शरणागत शिष्य अर्थात भक्त, और भक्त अर्थात भक्ति। तो सांख्य भक्ति युक्त सांख्य ही भगवान स्वीकार करते। वो अर्जुन ने जब वो श्लोक बोला 2.7, तभी भगवान ने बोलना, उपदेश देना शुरू किया। तब तक तो भगवान चुपचाप, कोई उपदेश ही नहीं दे रहे। तो भक्तिमय सांख्य आवश्यक है, तब भगवान बोलते हैं, तब भगवान उपदेश देते हैं। सो कपिल देव ने तीसरे स्कंद में सांख्य योग विथ भक्ति योग का उपदेश दिया है। ऐसे एक दूसरा भी सांख्य योग है, नास्तिक कपिल द्वारा रचा हुआ सांख्य है, उसमें विश्लेषण किया है, केवल प्रकृति का विश्लेषण है, जीवों का विश्लेषण है। अब प्रकृति का विश्लेषण हो गया, जीव का विश्लेषण हो गया, आगे क्या, आगे कुछ नहीं, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। वो नास्तिक कपिल है, पूरा सूखा देता है। जो भी नास्तिक कपिल का अभ्यास करेगा वो सूख जाएगा, उसका जीवन ड्राई रहेगा, रस नहीं रहेगा जीवन में। सो यहां पे कपिल देव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेसिंग भक्ति थ्रू फाउंडेशन ऑफ सांख्य। भक्ति को सांख्य के आधार से
प्राप्त करना। सांख्य जैसे कि हमने पूर्व में कहा, एनालिटिक स्टडी ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिट, वैश्लेषिक अध्ययन है सांख्य अर्थात किसका, भौतिकता का और आत्मा का। अर्थात साधी शब्द में बताया जाए, उपाधि और आइडेंटिटी का वर्णन है। उपाधि और आइडेंटिटी का वर्णन, उपाधि क्या है हमारी, उपाधि अर्थात, उपाधि किसको कहते हैं, उपाधि अर्थात व्हाट वी आर नॉट। उपाधि मीन्स क्या, व्हाट वी आर नॉट, ऐसी बात जो हम है ही नहीं उसको उपाधि कहते हैं। जैसे मैं कंपनी का मालिक हूं, ये उपाधि है, बट दैट इज नॉट ट्रू। कितने दिन तक है, नॉट ट्रू। मैं बॉस हूं, कितने दिन तक है, नॉट ट्रू। मैं चेयरमैन हूं, कितने दिन तक है, नॉट ट्रू। ये उपाधि है। सो उपाधि मीन्स व्हाट वी आर नॉट, ऐसी बात जो हम है ही नहीं उसी को हम उपाधि बोलते हैं, उसका वर्णन है सांख्य में, उसका वर्णन है उपाधि का, दैट व्हाट वी आर नॉट अर्थात शरीर। शरीर हम है ही नहीं, शरीर से संबंधित जो भी कार्यकलाप है वो सारे कार्यकलाप वो हम है ही नहीं। सो उपाधि और आइडेंटिटी किसको कहा गया है, That, that's what we are. Upadhi means what we are not, and identity means what we are. Atma, atma. Identity kya hai hamari? Jivatma, jivera swarup hai, Krishna ra nitya das. Ye hamari identity hai, aur upadhi hamari wo hai jo hai nahi. So iska varnan kiya jata hai, main atma hu. यह आध्यात्मिक ज्ञान है। इसके आगे क्या है, इसके आगे आत्मा भगवान का अंश है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है। ओके, मैं आत्मा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा भगवान का अंश है, उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। वो सांख्य जो नास्तिक सांख्य है वो यहां खत्म हो जाता है, पर कपिल मुनि ने जो सांख्य का हमको उपदेश दिया है वो आगे जाता है। वो आगे क्या कहता है, जैसे कि भगवद गीता में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये इतना जो ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, ये इतना ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य है परंतु पर्याप्त नहीं, सफिशियंट नहीं, पर्याप्त नहीं। सो उसके आगे क्या, तो उसके आगे ये जो अंश है भगवान का, वो भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लीला क्या है, और ऐसे भगवान को समझते हुए किस प्रकार से हम अपने सारी कार्यकलापों को भगवान को समर्पित होकर कर सकते हैं, वो है कपिल मुनि के इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, भक्ति युक्त सांख्य। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान कौन है, पहली स्टेज है मैं आत्मा हूं, दूसरी स्टेप है मैं भगवान का अंश हूं, तीसरी स्टेप है भगवान कौन है। तो भगवान कौन है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, भगवान भोक्ता है। सर्वलोकम महेश्वरम, सारे ईश्वरों के ईश्वर है वो भगवान है। वो भगवान को केंद्र में रखकर कर्म करना, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुषस्व मदर्पणम्, भगवान स्वयं कहते हैं। समर्पित भाव से कर्म करना, भगवान को समर्पित होकर कर्म करना, उसमें श्रेय है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है।
अपने स्वार्थ के लिए कर्म करना, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कर्म करना, उसको प्रेय कर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म गेन, उसको प्रेय कर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म गेन, उसको श्रेय कर्म कहते हैं, कल्याणकारी कर्म कहते हैं। सो लॉन्ग टर्म गेन को प्राप्त करने के लिए हमको शॉर्ट टर्म गेन का त्याग करना पड़ता है, करना चाहिए, है ना। प्रेय की श्रेय में आहुति, इसी को यज्ञ कहते हैं। प्रेय की श्रेय में आहुति, इसी को यज्ञ किया जाता है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः, ये केवल यज्ञ के वक्त नहीं करना है, केवल जब हम यज्ञ करते हैं उस वक्त नहीं बोलना है। सुबह उठे, स्नान वगैरह कर रहे हैं, का क्रिया कर रहे हैं, बोलिए स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। माता लोग, माता जी किचन में कुकिंग कर रहे, स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। प्रत्येक कर्म को यज्ञ कर्म बनाओ। ऑफिस में बैठे हैं, स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। कोई डील कर रहे हैं, स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। इससे होगा क्या, प्रेय की श्रेय में आहुति हो रही है। शॉर्ट टर्म गेन को लॉन्ग टर्म गेन के लिए त्याग रहे। तो प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक कर्म कल्याणकारी हो जाएगा। सो भगवद गीता में ये सांख्य का वर्णन आता है। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का वर्णन तात्पर्य में किया है। प्रभुपाद जी कहते कि भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए तो भगवद गीता में ये वर्णन आता है सांख्य का। और भगवद गीता अर्थात संबंध ज्ञान, भगवद गीता अर्थात संबंध ज्ञान, और भगवद गीता में सांख्य का भी वर्णन है। तो संबंध ज्ञान और सांख्य, इसका आपस में क्लोज रिलेशन है, वेरी क्लोज रिलेशन। सो दूसरे अध्याय के लगभग 37वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को समझाते, यू आर नॉट बॉडी, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना। शरीर कैसे, आत्मा शरीर को बदलते रहता है, ये सारा वर्णन 37वें श्लोक तक भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को कहते हैं। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 2.38 में, एषते भीतस्सांख्ये, क्या कहते हैं, एषते भीतस्सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो ये पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। वो कहते हैं यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, यहां तक, अर्थात 37वें श्लोक तक, क्योंकि 38वें श्लोक में भगवान ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एषतम एषते विहिता सांख्ये, सांख्य का मैंने यहां तक वर्णन किया है। अब इसके आगे भक्ति और बुद्धि योग बताता। तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन है। फिर अध्याय 7 में 7.4, 7वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान 8 एलिमेंट्स, 8 तत्व जो है, भौतिक तत्व जो भगवान के बाह्य स्वरूप है, भौतिक तत्व, 8 भौतिक तत्व का वर्णन करते हैं। मटेरियल एनर्जी, 8 टाइप्स ऑफ सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति वाम, अहंकार इति यामने भिन्न प्रकृति अष्टधा, 8 मेरी भिन्न प्रकृति, सेपरेटेड एनर्जी। सांख्य विश्लेषण है प्रकृति का, ये सांख्य है। कपिल देव भागवतम में सांख्य बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में सांख्य बोल रहे हैं। देन आगे जाके भगवान कहेंगे, अरे केवल 8 ही नहीं है भाई, केवल 8 ही घटक नहीं है,
24 है, वो कहां बोलेंगे? 13वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। महाभूतो अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःख संगाते श्वेतना धृति एतत् क्षेत्रे समासेन सविकारम उदाहृतम्। फिर कहेंगे अरे भाई पहले 8 बताए थे परंतु वो 24 है। 24 कौन से है? पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, तीनों गुणों का अप्रकट रूप, दसो इंद्रिया तथा मन और 5 विषय, इंद्रिय विषय। इस प्रकार से 24 और घटक है, ऐसे भगवान बोल। इतना विश्लेषण करना, सो मच विश्लेषण। सो केवल इन्हीं बातों को श्रीमद् भागवतम में कपिल देव जी ने बताया है, समझाया है। केवल आत्मा और प्रकृति को जानकर क्या होगा? क्या होगा? मान लो आपने जान लिया आत्मा क्या है, जान लिया, और मान लो प्रकृति को भी जान लिया, अब आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा? आगे इस जानकारी को एक्टिव करने के लिए, इस जानकारी को उत्साह पूर्ण करने के लिए, इस जानकारी में चैतन्य डालने के लिए भक्ति योग सीखना होगा। और वो भक्ति योग कपिल देव जी ने 26वें अध्याय से तो 33वें अध्याय तक बताया, 25वें अध्याय में भी भक्ति योग बताया है। और वो हमको समझना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में भक्ति योग नहीं होगा तो जैसा पूर्व में कहा, हमारा जीवन सूखे पत्ते की तरह हो जाएगा। इसलिए भक्ति योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 25वें अध्याय का नाम भक्ति योग की महिमा है। अर्थात भक्ति को तभी हम आत्मसात करेंगे जब हम पहले भक्ति की महिमा क्या है जान लेंगे। हमारा स्वभाव है, कलयुग के मन का स्वभाव है, जब तक कोई अट्रैक्टिव बातें पता नहीं चलती ना, तब तक हम आत्मसात नहीं करते। महिमा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोरिफिकेशन क्या है। तो महिमा, भक्ति की महिमा, भक्ति योग की महिमा, भक्ति योग की महिमा क्या है, इसका भी वर्णन जब भगवान ने भगवद गीता में सांख्य बताया बताया, सांख्य सांख्य सांख्य, फिर भक्ति शुरू कर दिए। 18वें अध्याय में श्लोक बता दिए क्या? भक्त्या माम अभिजानाति यावाद चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति योग से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है, भगवान कह रहे, केवल भक्ति योग से, नथिंग एल्स। अब सांख्य से तो भगवान को नहीं जाना जाएगा, परंतु सांख्य के साथ भक्ति, भक्ति यदि फाउंडेशन हो सांख्य का, तब तो भगवान को जाना जा सकता है। केवल और केवल भक्ति ऐसी एक अहेतु की भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि जिससे वो हमको उनको जानने का परमिशन दे देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वंशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है और न ही अभक्त उन्हें समझ पाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे, मनोधर्म के द्वारा हमारी गिरिधारी को देख भी नहीं पाओगे आप। कोई व्यक्ति दर्शन करने आए मनोधर्म के आधार पर, लॉजिक से वो आएगा, पूरे लॉजिक के साथ मंदिर में आएगा, देखेगा ओ खड़े हैं यहाँ पे भगवान, अच्छा काय के बने हुए हैं, मेटल के है कि सीमेंट के है, मार्बल के है, तर्क करेगा। मनोविज्ञान, मनोवृत्ति, मनोधर्म, तो वो व्यक्ति भगवान के चिन्मय रूप का क्या दर्शन करेगा। सो प्रभुपाद जी कह रहे, मनोधर्म से भगवान को नहीं जाना जा सकता है, भगवान को लॉजिक से नहीं जाना जा सकता है, भगवान को जानना है तो भक्ति से ही जाना जा सकता है।
भक्ति अर्थात प्रेममयी भक्ति। सातवें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवद गीता ने कहा है नाहम प्रकाश सर्वस्य, नाहम प्रकाश सर्वस्य अर्थात मैं सबके समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूं। 7.25 में भगवान ने बोला था मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं, और 18.55 में बोला था भक्त्या माम भी जाना थी, केवल भक्त ही मुझे जान सकते। सबके सामने मैं प्रकटित नहीं होता हूं, प्रकाशित नहीं होता हूं, परंतु केवल भक्त के सामने मैं प्रकाशित होता हूं। तो हमारे गिरिधारी जी के सामने आप जैसे सब भक्त वृंद दर्शन के लिए आ जाते हैं, तो भगवान का प्रकाश, भगवान के प्रति भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाती है, और फिर भगवान का चिन्मय रूप में हमको दर्शन हो जाता है। तभी तो मंगल आरती से लेकर तो दिन भर आप भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, नित्य भगवान के नाम का जप करते हैं, नाम रूप गुण लीला में तल्लीन हो जाते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है, भगवान की भक्ति की विशेषता है, भगवान के प्रति प्रेम की विशेषता है। सो मटेरियल, इसका इसका सार ये है कि मटेरियल क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, है ना। सो भक्ति ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तो जहां भी भक्ति ये शब्द उच्चारण होता है वहां समझना चाहिए प्रेममयी भक्ति, प्रेमा भक्ति। इस स्तर पर व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण और लीला के माधुर्य में स्थिर हो जाता है। भक्ति के स्तर पे क्या हो जाता है हमारे अंदर, भक्ति के स्तर पे हम नाम रूप गुण लीला में क्या हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। नाम रूप गुण लीला में हम एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो उसकी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती, सारी उधेड़बुन शांत हो जाती, सारी एंग्जाइटी शांत हो जाती, व्यक्ति पीसफुल हो जाता है। कई लोग, कई भक्तों को पूछा जाता है प्रभु जी कैसे हैं आपका भक्ति कैसे चल रहा है, बोलते हैं प्रभु जी जब से जप कर रहे हैं ना, बाकी तो हमको पता नहीं, लेकिन पहले मेरा स्वभाव बड़ा गर्म था, बड़ा गुस्सा आता था मुझे पहले, पर अब मैं ये जान पा रहा हूं जब से नाम जप कर रहा हूं ना, मेरा गुस्सा मेरा क्रोध धीरे धीरे धीरे, एक बात तो निश्चित है कि कम हो रहा है। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नाम, ये नाम ऐसा है भगवान का, कैसा है नाम चिंता मणि कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम इतना सुंदर है, इतना हमारे सारे आध्यात्मिक चिंतन को पूर्ण करने वाला है, चिंता नहीं, आध्यात्मिक चिंतन को सिद्ध करने वाला चिंता नहीं। सो हम इस प्रकार से इस स्तर पे जब भक्ति के स्तर पे प्रेमा भक्ति के स्तर पे आते हैं तो नाम में केंद्रित होते हो जाते हैं, रूप में केंद्रित हो जाते हैं, गुणों में केंद्रित हो जाते हैं, लीलाओं में केंद्रित हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति प्रेममयी भक्ति का महासूर्य उदित हो जाता है। प्रेमा भक्ति रूपी महासूर्य उदय हो जाता है अंतकरण में। जैसे सूर्य जब उदित होते हैं तो सूर्य उदित होने के पश्चात जो जो छोटे ग्रह तारे नक्षत्र वगैरह सब छिप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, सब छिप जाते हैं। वैसे ही जब हृदय में प्रेमा भक्ति रूपी महासूर्य उदित होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे के सारे पुरुषार्थ सारे आवेगों के साथ लुप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस प्रेमा भक्ति से, इस प्रकार के नाम चिंतन से व्यक्ति जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे श्री राधा गिरिधारी जी कितने महान हैं, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। इस प्रेमा भक्ति से जान पाएंगे कि हमारे भगवान कितने महान हैं। जिस समय हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है उसी समय हमको
ये पता हो जाता है कि भगवान कितने महान है। हमारे हृदय में एक टेस्ट उत्पन्न हो जाती है, तब पता चलता है कि हमारे भगवान कितने महान है। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम श्लोक एक पहले श्लोक में ही कहा गया है, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, है ना। श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद का एक ऐसा समुद्र प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? आनंद का समुद्र प्राप्त हो जाता है। कहां पे प्राप्त हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में। क्या प्राप्त हो जाता है? क्या प्राप्त हो जाता है? आनंद सागर प्राप्त हो जाता है। और वो आनंद सागर की आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वो आनंद सागर की विशेषता क्या है पता है? चैतन्य शिक्षाष्टकम ने बताया पहला श्लोक, रोज हम बोलते हैं सुबह सुबह, उसकी विशेषता क्या है? वर्धनम। वो क्या होता है? वो नित्य लगातार वो आनंद सागर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, कम नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम इस प्रकार से दिव्य। अब भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री कृष्ण के रूप का, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का विचार करें तो उनका सौंदर्य ऐसा है कि उनके सौंदर्य के सामने करोड़ों करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। ऐसे भगवान का सौंदर्य, ऐसे सुंदर रूप भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप इतना विस्तृत है, इतना विशाल सागर है भगवान का रूप, भगवान का रूप सौंदर्य। उनका नाप तौल करना हमारे जैसे, स्पेशली मेरे जैसे तुच्छ जीव के वाणी रूपी लुटिया से करना असंभव है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। भगवान के रूप सौंदर्य रूपी अथाह सागर का वर्णन हम लुटी से कैसे कर सकते हैं? लुटिया समझे, लुटी छोटी सी लोटी, अथाह सागर है और हमारा मुख छोटी सी लोटी के जैसा भी नहीं। वो अथाह सागर को कब तक वो लोटी से प्राप्त करता रहे? असंभव। इतना विशाल भगवान का रूप सौंदर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद माधुर्य कादंबिनी के 8वें अध्याय में भगवान के रूप माधुर्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को, भक्तों के नेत्रों के सामने अपना सौंदर्य जब प्रकाशित करते हैं तब क्या होता है? अपने भक्तों के नेत्रों के सामने जब सौंदर्य प्रकाशित करते हैं भगवान स्वयं, तब होता क्या है? उस समय उस भक्त की सारी इंद्रियां नेत्र बन जाती है। क्या हो जाता है? ओ, भक्त की सारी इंद्रियां नेत्र बन जाती है और उस वक्त वो भक्त आनंद की मूर्छा से होता है। हम भी होपफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कुछ होप रख सकते हैं कि नहीं? अभी प्रसाद को बहुत टाइम है, अभी तो आधा पौना घंटा टाइम है, वैसे भी मैं 10-20 मिनट ज्यादा ही लेता हूं सो प्रसाद की चिंता ना करें। सो हमको होप्स है कि नहीं? क्या होप्स है? हमारे भी नेत्रों के सामने कभी भगवान श्री श्री राधा गिरिधर जी ऐसे तो रोज सौंदर्य प्रकाशित करते हैं, परंतु उस सौंदर्य को विस्तृत करके प्रकाशित करें हमारे नेत्रों के सामने तो क्या हो जाएगा? हमारे सारी इंद्रिया नेत्र बन जाएगी, आंख बन जाएगी। हमारा हाथ है वो भी आंख बन जाएगा, हमारे पैर है वो भी आंख बन जाएगा, नाक कान मुंह सब आंख बन जाएगा, क्योंकि आंख के सामने भगवान का सौंदर्य प्रकाशित हुआ। जब ऐसा हो जाता है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो भक्त मूर्छित हो जाता है।
आनंद में मूर्छित हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसको चेतन करने के लिए उसके निकट आते हैं। अब भाई बेसुध हो गया है, अब चेतन अवस्था में लाना पड़ेगा, कौन लाएगा? क्योंकि आनंद की, कृष्ण के आनंद की मूर्छा है, दूसरा तीसरा थोड़ी अचेत से सचेत कर सकता है, वो तो कृष्ण को ही करना पड़ेगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उस भक्त की ओर धीरे धीरे आते हैं और उसके घ्राणेन्द्रियों को, घ्राणेन्द्रिय समझिए उसकी नासिका, उसके घ्राणेन्द्रिय में अपनी सुगंध प्रकाशित करते हैं। क्या करते हैं, उसके घ्राणेन्द्रिय नासिका में अपनी सुगंध प्रकाशित करते हैं। तो अब पहले तो नेत्रों से दर्शन किया था तो पूरे नेत्र हो गया था, नेत्र जैसे पूरा इंद्रिय हो गया, अब मूर्छित हो गया तो भगवान को उसको सचेत करना होगा। तो भगवान सचेत करने के लिए पास में जाते हैं और क्या करते हैं, पहले प्राय ऐसा कई बार होता है कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार के स्मेल देते हैं, ये भौतिक अवस्था में होता है। ये क्या होता है, कहाँ होता है, भौतिक विभ्रम, भौतिकता में भ्रमित होने के कारण, भौतिकता में अस्वस्थ होने के कारण, भौतिकता में इम्बैलेंस होने के कारण व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। उस वक्त उसको इस प्रकार से कभी कभी दुर्गंध दिया जाता है, तो वो भौतिकता में सजग हो जाता है, चेतन हो जाता है। आध्यात्मिकता में भगवान के दिव्य आनंद में व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है तो भगवान स्वयं उसको अपने सच्चिदानंद विग्रह का सुगंध देते हैं, भगवान स्वयं उसको सुगंध दे, घ्राणेन्द्रिय में उसको सुगंध प्राप्त होता है। और फिर ये भक्त अपनी सारी इंद्रिया इस भक्त की फिर नेत्रों से बदलकर सारी की सारी इंद्रिया घ्राणेन्द्रिय बन जाती है, सारी इंद्रिया फिर नासिका बन जाती है, फिर नासिका से पूरा सुगंध भगवान का दिव्य सुगंध लेते रहते हैं। और फिर दिव्य सुगंध लेते लेते फिर और डीपली अचेत हो जाता है, और ज्यादा मूर्छित हो जाता है, डीपली अचेत हो जाता है। ओ, ये और आनंद की मूर्छा है घ्राणमय होने से। अब क्या करें, अब भगवान सोचते हैं अब क्या करें, पहले नेत्र फिर नासिका, अब भगवान सोचते हैं अब इसके वाणी को, इसके श्रवणेन्द्रियों को प्रकाशित कर। तो भगवान वहां तो बैठे हैं ये देख ही रहे हैं, तो भगवान अपने वाणी का माधुर्य उसके श्रवणेन्द्रिय में प्रकाशित करते हैं, अपने वाणी का माधुर्य उसके श्रवणेन्द्रिय में प्रकाशित करते हैं, अर्थात तो भगवान बोलते हैं उसके कान में उस भक्त के। क्या बोलते हैं, हे मेरे भक्त, मैं तो सभी प्रकार से तेरे अधीन हूं, तू व्याकुल मत हो, तू व्याकुल मत हो, तू बस केवल मेरा अनुभव कर। क्या कहते हैं भगवान, क्या उपदेश देते हैं, हे मेरे भक्त, मैं तो सभी प्रकार से तेरे अधीन हूं, कंट्रोल बाय यू, तू व्याकुल मत होना, तू तो मेरा केवल अनुभव कर। भक्त के कानों में जब श्री कृष्ण की वाणी प्रवेश करती है तो उस समय भक्त की सारी इंद्रिया श्रवणमय हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रवणमय, और सुनना चाहता है, और अब कितना सुनेगा दो कानों से, तो सारी इंद्रिया, सारी इंद्रियों को कान बना देता है, सारी इंद्रियों को कान बना देता है का अर्थ है सारी इंद्रियों से सुन सकता है भगवान के प्रकाश से, भगवान की कृपा से। फिर आनंद मूर्छा में फिर अचेत होने लगता है, क्योंकि अब तो उपदेश सुन रहा है, कृष्ण के मुख कमल से उत्पन्न हुआ हुआ ध्वनि सुन रहा है, तो और मूर्छित हो गया है। अब इस बार मूर्छित होता है तो अब श्री कृष्ण क्या करें, अब श्री कृष्ण कृपा करते हैं,
श्री कृष्ण कृपा करते हुए अपने हाथों का स्पर्श अथवा चरण स्पर्श कराते हैं, इसको हृदय से लगाते हैं, और इस प्रकार से भगवान अपने स्पर्श के आनंद से उसको प्रसन्न करते हैं, उसको आनंद प्रदान करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं। दास्य भाव में जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो ऐसे भक्त के शीश पर भगवान अपना चरण स्पर्श रखते हैं। सख्य भाव में जब जो भक्त भगवान का भजन करता है उसका हाथ पकड़कर भगवान उसको स्पर्श करते हैं। वात्सल्य भाव में कोई भक्त भगवान का चिंतन करता है तो भगवान अपने माता पिता के अश्रुओं को अपने हाथ से पोंछते हैं, ऐसा स्पर्श करते हैं। और माधुर्य के भाव से भगवान का भजन जो करता है उसको भगवान आलिंगन करते हैं। इस प्रकार भक्त के आनंद समुद्र में सैकड़ों आनंद की तरंगे उठती है, न कि भौतिकता की तरंगे उठती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर ऐसी अवस्था में वो भक्त जान पाता है भगवान श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण के अंदर कठोरता, ईर्ष्या, क्रोध जैसे दोष कदापि नहीं है। यदि यह दोष कभी कभी यदि किसी को दिखाई दे तो इन दोषों के अंदर श्री कृष्ण भगवान की कृपा रूपी गुण ही भरा होता है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है। श्री कृष्ण के गुणों का अनुभव करके भक्त का चित्त द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। सो जिस समय भक्त का चित्त भगवान श्री कृष्ण के गुणों से अत्यंत प्रभावित होता है उस समय भगवान श्री कृष्ण उसको फिर कुछ कहते हैं, माधुर्य कदंबनी आठवाध्याय। भगवान श्री कृष्ण देखते कि अरे अब तो इसका चित्त पूर्णतः पिघल गया, अब इसको कुछ बोलना चाहिए। तब भगवान उसको कहते हैं, हे भक्त, तुमने अनेक जन्मों से मेरे लिए अनेक प्रकार का त्याग किया, अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए, कभी अमुक बात जो बहुत अच्छी लगती थी छोड़ दी, बहुत कष्ट, बहुत तप किया, कई बार निर्जला एकादशी की, अभी 31 तारीख को है निर्जला एकादशी। तो भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त का चित्त द्रवीभूत हो गया, सॉफ्ट हो गया, मृदु हो गया, तब भगवान उसको कहते हैं कि हे भक्त, मेरे लिए तू बहुत कष्ट किया है, बहुत तप किया है, अपने गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन किया है, अब मैं तुम्हें इसके लिए क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं उसके लिए, क्योंकि तुमने जो किया है वो इतना मूल्यवान है कि मैं क्या दे दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। इसलिए हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझे अपने आप को दे देता हूं। क्योंकि इस प्रकार प्रेमा भक्ति से उसका हृदय द्रवित हो गया है। तो भगवान कहते हैं, मैं तुझे अपने आप को दे सकता हूं। तो भक्ति की इतनी महिमा है, जो 25वें अध्याय का नाम है भक्ति की महिमा। क्योंकि ये दूसरा ही श्लोक था इसलिए हमने सोचा कि अध्याय का जो टाइटल है उसका थोड़ा वर्णन किया जाए, भक्ति की महिमा। तो ये भक्ति की महिमा है कि भक्ति करने से कृष्ण अपने आप को हमें दे देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब श्लोक संख्या 2, 25वां अध्याय दूसरा श्लोक प्रथम पंक्ति। नहीं अस्य वर्ष्मणः पुंसा, पहली पंक्ति। शौनक ऋषि आगे कहते हैं कि भगवान से अधिक जानने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। ब्रह्म संहिता में बात कही गई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि और आदि गोविंद, अर्थात वो अनादि और आदि है, वो सब कुछ जानते हैं। यही बात कही गई, नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसः, अर्थात भगवान सबसे अधिक जानने वाले हैं, वो अनादि है आदि है। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में तात्पर्य में कहते हैं कि न तो भगवान से कोई तुल्य है ना उनसे बढ़कर है, और वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई। तात्पर्य भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं एको वही बहुनाम यो विद्धाति कामान, अर्थात वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते, वो परम पुरुष है, वो सारे जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रभुपाद जी उनके इस श्लोक के ऊपर प्रवचन में कहते हैं अफ्रीका के जंगल में हजारों हजारों हाथी रहते हैं, हाँ पता है ना सबको, एक एक हाथी एक एक समय 40 किलो कम से कम खाता है, एक हाथी एक समय 40 किलो खाता है। तो ऐसे संसार में कितने हाथी हो गए और वो कितना उनको अन्न चाहिए, उनका जो अन्न है वो उनको चाहिए होता होगा, वो सारा का सारा भगवान प्रदान करते हैं। समस्त कारणों के कारण है, वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति है, पूर्ति करते हैं, क्योंकि एको बहुनाम यो विद्याति कामान, सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। कभी कभी तो भक्त भी भगवान की तरह शक्तिशाली हो जाते हैं। प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में तीसरे पैराग्राफ में शायद कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी कभी तो भक्त भगवान की तरह उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उदाहरण क्या है बता सकते हैं कोई? उदाहरण है मैया यशोदा, भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई, भगवान को बांध दिया मैया ने, है ना? परंतु वो शक्ति भगवान से अनुग्रहित होती है। रूपा जी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश तात्पर्य में पावर टू बिकम इक्वल टू कृष्णा कम्स फ्रॉम कृष्णा, पावर टू बिकम इक्वल टू कृष्णा कम्स फ्रॉम कृष्णा। रूपा जी तात्पर्य कि भगवान के इक्वल कोई नहीं हो सकता है, परंतु यदि कृष्ण चाहे, यदि कृष्ण का कोई प्रयोजन हो, कोई लीला हो, तो उसके द्वारा उसको सिद्ध करने के लिए कृष्ण ही एम्पावर करते हैं, सो दैट वी बिकम पावरफुल। वरिम्ना सर्वयोगिना, न तो अधिक प्रौढ़ योगी कोई है, अर्थात सर्व योगियों में भगवान अग्रगण्य है। So, भगवान की अनेक योगिक सिद्धियां हैं। अब सिंपल योगिक सिद्धि है, कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बार किसी ने आकर प्रभुपाद जी को कहा प्रभुपाद प्रभुपाद देखिए अमुक अमुक योगी आए हैं और वो पानी पे तैरते हैं, कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, सो वाटर, वो पानी पे तैर रहा है, आपको इतना आश्चर्य लग रहा है, परंतु ये चंद्र सूर्य तारे पूरी आकाश गंगा अंतरिक्ष में अनादिकाल से तैर रही है। कौन तैरा रहा है उसको, कौन तैरा रहा है, कौन उसको इस प्रकार से करवा रहा है, वो योगिना, उस सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है, योगेश्वर है। तो यहां पे जो कहा गया है ना वरिम्ना सर्व योगिना, तो भगवान सारी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। महाभारत के द्रोण पर्व में एक भगवान की लीला है, जब अर्जुन ने संकल्प किया जयद्रथ को मार देंगे, तब जयद्रथ को छिपाने का कौरव की सेना ने प्रचंड प्रयत्न किया, प्रचंड प्रयास किया, पराकाष्ठा कर दी प्रयास, जयद्रथ को उनके सैनिकों के भीतर अंदर व्यूह में इस प्रकार से छुपाया था कि कई किलोमीटर तक किसी को पता भी ना चले कि वो वहां पे है,
और उसकी रक्षण बड़े बड़े महारथी कर रहे थे, भीष्म, द्रोण वगैरह, द्रोणाचार्य, विशेषकर द्रोणाचार्य अनेकों महारथियों के साथ वो पूरे चक्रव्यूह का नेतृत्व कर रहे थे। और द्रोणाचार्य ऐसे बाण बरसा रहे थे, भयंकर बाण बरसा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण वो रथ को चला रहे थे, सारथी थे, हम सब कुछ जानते हैं। वो इस प्रकार से रथ हाँकते थे कि जिस जगह से रथ 3-4 किलोमीटर तक आगे चला जाता था, वो 4 किलोमीटर आगे जाने के पश्चात द्रोणाचार्य का बाण वो 4 किलोमीटर पीछे पड़ता था। इतनी योगिक पावर, इतनी योगिक सिद्धि भगवान श्री कृष्ण। और आगे कथा तो आप जानते हैं कि अपनी योगिक सिद्धि से भगवान ने वहां पे उतना अंधकार कर दिया कि सूर्य को छिपा दिया योगिक शक्ति से। ऐसे भगवान की योगिक शक्ति है। अब हम इस विषय में देखें 2-5 मिनट और कि यहाँ पे जो भगवान योगिक योग तपस्या का, जिस भगवान के विषय में चर्चा शौनक ऋषि कर रहे हैं, वो है कपिल देव भगवान। तो कपिल देव जी की कथा प्राय हम सब जानते हैं, परंतु इस श्लोक के रेफरेंस यदि देखें तो राजा सगर थे इक्ष्वाकु के वंश में, सगर राजा आप सब जानते हैं। वो दशरथ महाराज, दशरथ और भगवान राम भी उनके वंश में आते हैं। सगर राजा ने एक बार अष्टमेघ यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करके वो अश्व को छोड़ा गया। वो अश्व पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम गया, परंतु इंद्र को पता चला ये अश्व छोड़ा है राजा सगर ने। यदि ये अश्वमेघ यज्ञ यशस्वी हो गया तो इंद्र के पद को धोखा हो जाएगा, ऐसा भय इंद्र को हो गया। तो इंद्र ने क्या किया, एज यूजुअल उनका जो अश्व है वो घोड़ा है वो चुरा लिया, और चुरा के कहां छुपाया? नहीं, शास्त्र में वर्णन है उसको इतना डीप डाउन समुद्र के और नीचे तल अतल सुतल सबसे नीचे जो होगा वहां पे छुपा दिया। और वहीं पे क्या था, वहीं पे तपस्या कर रहे थे। कौन? कपिल। वहां पे तपस्या, उनको तो पता नहीं, वो अपना ध्यान कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, उनको पता नहीं। वहां आके इंद्र ने वो घोड़ा छुपा दिया और अपना चला गया। बहुत समय तक घोड़ा वापिस नहीं आया, राजा सगर परेशान हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को कहा, जाओ घोड़े को ढूंढ के लाओ, अश्व को ढूंढो। वो सारे 60,000 पुत्र दशो दिशाओं में घूम के आए, वापिस राजा के पास आए, कहने लगे नहीं मिला। महाराज सगर के, जाओ समुद्र को खोदो, समुद्र के नीचे देखो। अपने पिताश्री का आज्ञा लेकर सारे के सारे पुत्र नीचे तक गए, डीप डाउन नीचे अंत तक गए। जब उन्होंने देखा, उनको घोड़ा प्राप्त हुआ, घोड़ा खड़ा था, देख और बाजू में कपिल देव अपना ध्यान कर रहे, उनको कुछ पता ही नहीं। तो इन सगर पुत्रों ने कपिल देव को देखकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनके ऊपर आक्रमण करते से ही वो सारे के सारे भस्म हो। पर कपिल जो ध्यान कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, वो अपना ध्यान। अब यहां 2-3 पुश्ते निकल गई सगर की, अभी घोड़ा आया ही नहीं। फिर भगीरथ आए उनके वंशावली में, भगीरथ को ये सब पता हो गया। तो भगीरथ यही कार्य को करने के लिए फिर से निकले। फिर वो गए उसी स्थान पर, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। उन्होंने देखा, क्या देखा, घोड़ा देखा, बाजू में कपिल मुनि को भी देखा, परंतु महाराज भगीरथ सदाचारी सद्वर्तनी वेल कल्चर्ड ऐसे थे। उन्होंने देखा एक ऋषि बाजू में ध्यान।
ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ऋषि को प्रणाम किया और बड़ी पोलाइटली विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ऋषि को प्रार्थना करके कहेगी, हे मुनिवर, क्या मैं इस अश्व को ले सकता हूं, क्या आप मुझे अश्व को देंगे? कपिल मुनि ने देखा, ओ व्हाई नॉट टेक इट, अरे क्यों नहीं भाई, ये ले जाओ, मुझे क्या करना। सगर पुत्र ने ये नहीं किया था, सदाचार नहीं दिखाया, सदाचार इतना आवश्यक है, सदाचार विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने उनको दे दिया। जब सगर ने वो अश्व को लिया, आसपास में देखा, ये तो पूरा ढेर पड़ा हुए रक्षा का, इतनी राख पड़ी हुई, तो उनको पता हो गया। तो भगीरथ पूछने लगे कपिल देव को कि हे मुनिवर, क्या ये सब सगर पुत्रों की राख है? तो उन्हें कहे, हाँ यस है। तो हे मुनिवर, कृपया बताइए कि इनका कल्याण कैसे होगा? तो वे कहते हैं कि इस रक्षा को, इस राख को जब आप गंगा जी में बहाओगे तो ये सब मुक्त हो जाएंगे, अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए गंगा जी को आपको नीचे उतारना पड़ेगा। उसके बाद भगीरथ जी प्रयत्न करने लगे, भगीरथ प्रयत्न, और उनके प्रयत्न से गंगा जी आई और उस गंगा जी ने फिर उन्होंने प्रवाहित की उनकी सारी राख और इस प्रकार से मुक्त हो गए सगर पुत्र। तो ऐसी योगिक शक्ति, यहां क्या कहा गया है श्लोक का दूसरा पंक्ति क्या है, वरिम्ना सर्व योगी नाम, कपिल देव भी भगवान है, वो भगवान का सत्तावेश रूप है। कल हमने प्रवचन में सुना, इसलिए गुड़ाकेश प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे, उसने कहा, उसमें प्रभु जी कह रहे थे कि कपिल देव जी को शक्तावेश अवतार न कहे, कई बार प्राय शक्तावेश अवतार कहा जाता है, तो प्रभु जी कह रहे थे कपिल देव जी को भगवत आवेश अवतार समझे। और यदि हम भगवत आवेश अवतार समझते हैं तो ये देखिए इनकी योगिक पावर, जिस इसमें कहा गया है योगिक पावर के विषय में क्या कहा गया है, वरिम्ना सर्व योगिना, इस प्रकार से सर्व योगियों में योगी श्रेष्ठ है। और दूसरे कपिल देव जी केवल योग का लाभ क्या होता है वो अंतिम एक शब्द में बताया गया है, क्या कहा गया है, विश्वतो श्रुत देवस्य भूरि तृप्यन्ति ते अस, जो इस प्रकार से भगवान के लीलाओं का कथाओं का श्रवण करता है उसकी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है, उसका भौतिक जीवन तृप्त हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी तो सारे संसार को भगवान की लीलाएं श्रवण करवाए, सारे संसार को भगवान की लीलाएं श्रवण करना कराने से क्या हो गया, सारे संसार में जो कभी धर्म, जो भयंकर अधर्मी थे वो धर्म के प्रचारक बन गए, इतना बदल हो गया। जो अंतिम पंक्ति में कहा गया है विश्व तो भगवान की लीलाओं का इस प्रकार से श्रवण किया जाता है, तो जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की लीलाओं को अच्छे से श्रवण करता है वही भक्त एडवांस डिवोटी, एडवांस भक्त बन सकता है जो श्रवण करता है। तो प्रभुपाद जी ने श्रवण करवा के ही सभी को एडवांस डिवोटी बना दिया है? सारे संसार में प्रभुपाद जी ने क्या किया, श्रवण करवाया। अरे किसी किसी ने तो प्रभुपाद जी को कुछ क्षण के लिए श्रवण किया, भगवान भगवत महिमा प्रभुपाद जी ने कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति को सुनाया और वो व्यक्ति भक्त बन गया। प्रयागराज में कुंभ मेला था एक समय, और कुंभ मेला में कई बार हम देखते हैं कि नागा साधु आते हैं, और नागा साधु अवधूत टाइप होते हैं, वो अपने मूड में, उस भक्ति के मूड में या उनके दिव्य आनंद के मूड में वो अनेक कार्यकलाप करते हैं। तो एक नागा साधु आकर वो अपनी त्रिशूल चलाने लगा और लोगों को डराने लगा, जोर जोर से चिल्ला के त्रिशूल ऐसे फेंकने लगा। तो प्रभुपाद जी के साथ उनके उस समय नए नए विदेशी भक्त थे, विदेशी भक्त थे, तो विदेशी भक्त ये देख के थोड़ा सा हैरान हो गए, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, वो थोड़े भयभीत भी हो गए। और वो हमारे इस्कॉन का जो टेंट लगा हुआ था उसी के सामने कर रहा था। तो भक्त नए नए थे, बड़े भयभीत हो गए, तो वो तुरंत प्रभुपाद जी के रूम में गए दौड़ते हुए और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, प्रभुपाद जी वो एक कोई नागा बाबा भयंकर उत्पात कर रहे हैं,
डरा रहे हो, अपने त्रिशूल चला रहे हैं, बम बम बोले कर रहे, त्रिशूल मारने का प्रयास कर रहे हैं, सब डर रहे, सब भयभीत है। प्रभुपाद जी ने सुना, प्रभुपाद जी कहें ब्रिंग हिम हियर, उसको मेरे पास लाओ। प्रभुपाद जी बोले तो अब उसको पास में कैसे लाएंगे प्रभुपाद जी? सारे भक्त गए, 3-4-5 भक्त गए, दूर दूर से प्रार्थना करने, हाथ जोड़, जैसे जैसे भक्त हाथ जोड़े वैसे वैसे वो त्रिशूल और क्रोधित हो जाए। तो एक ने बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से कहा कि हे महाराज, हमारे स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको बुला रहे, मैं क्यों उनके पास जाऊं? बोलने लगा, बहुत प्रयास किया, बहुत किया, जैसे तैसे 5-6 लोगों ने मिलके उनको कन्विंस किया और वो ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम्हारा स्वामी कौन है। त्रिशूल लेके वो अंदर गया। प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठे थे, वो त्रिशूल लेके बड़ा क्रोधित अवस्था में बैठा है, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम सब जाओ, दरवाजा बंद कर दो। सारे शिष्य प्रभुपाद जी को, नहीं नहीं प्रभुपाद, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद जी बोले, नहीं जाओ तुम। शिष्य बोले, नहीं हम नहीं जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले, दिस इज माय ऑर्डर, यू गो आउट। तो सारे शिष्य बोले, क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद जी की आज्ञा। तो सारे शिष्य प्रभुपाद जी की कक्ष के बाहर निकले, और वो बीच में कहीं ऐसी कैविटी थी, तो वो कैविटी में से देख रहे थे कि कहीं कोई ये साधु, ये नागा बाबा प्रभुपाद जी के ऊपर अटैक न कर रहे, तो इसलिए वो उसमें से देख रहे। और ज्यादा से ज्यादा वो साधु प्रभुपाद जी के साथ 3 मिनट रहा होगा, नॉट मोर देन 3 मिनट। और प्रभुपाद जी बाहर से देख रहा था, प्रभुपाद जी जो गेस्टर्स कर रहे थे, हाथ बता रहे थे, उससे लग रहा था कि कोई भगवान की महिमा, कोई हरिनाम की महिमा, भगवान उनको समझा रहा, प्रभुपाद जी उनको समझा रहे हैं, ऐसे दिख रहा था छोटा छोटा। 3 मिनट हुआ, 3 मिनट के बाद जब वो नागा बाबा प्रभुपाद जी के कक्ष के बाहर निकलने लगे, तब वो नागा बाबा ऐसे इधर देखे, सामने कुछ भक्त दिखे, वो नागा बोलते, हरे कृष्णा। कौन बोलता है? नागा बाबा भक्तों को बोलते, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा साक्षात दंडवत प्रणाम है। हमारे इस छोटे से प्रयास में शब्दों का उपयोग करते हुए किसी प्रकार का अभद्र शब्द आया होगा, ऐसा कोई शब्द आया होगा आपको हृदय पे ठेच कर गया होगा, घाव कर गया होगा, तो कृपया उसको हमारा अज्ञान समझे और हमारे जैसे अज्ञान व्यक्ति को क्षमा करे। और यदि किसी कोई बात आपको हृदय में स्थिर हो गई होगी, हृदय में उस आनंद की अनुभूति कर दी होगी, या हृदय में उल्लास, हृदय में उत्साह यदि उत्पन्न कर दिया होगा, तो वो सारा का सारा श्रेय हमारी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद इनको जाता है, ये सब उनकी शिक्षा है। कृपया उनके उपदेशों का पालन करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, और प्रभुपाद जी के मूल और मिशन को समझते हुए उनके लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद भगवान ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारी आपके प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता नहीं है, इसलिए आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि प्रसाद ये भगवान की फुल मोनोपोली है। प्रसाद दूसरे का किसी का नहीं मिल सकता है, भगवान का ही मिल सकता है, और उसका समय हो गया है, वो भगवान की कृपा है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज का प्रश्न रह गया है, मैं भी एक पूरा रविवार का सेशन में क्वेश्चन आंसर में रखूंगा। हरे कृष्ण, प्रभु जी हर शनिवार को 7:30 से 9:30 प्रवचन देते हैं भगवद गीता के ऊपर। तो जो लाइव मेंबर्स हैं
वो उसको रिटेन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक बार गुरु जी का हम लोग अभिवादन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक सूचना है, कृपया ध्यान से सुनिए। अभी अपना 4 तारीख को स्नान यात्रा है, अगले रविवार को तो कृपया आइए मंदिर में। 11 बजे अभिषेक है भगवान जी का, जगन्नाथ जी का, और तत्पश्चात 15 दिन तक भगवान अपने को जगन्नाथ जी दर्शन नहीं करेंगे, और उसका दर्शन आपको होगा 19 तारीख को शाम को, और 20 तारीख को रथ यात्रा है, और उसके पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो हम लोगों ने 18 तारीख को रखा है, उसकी भी रही बात है। सवेरे आना है आपको गुंडेश्वर मंदिर मार्गन के लिए। तो ये सब 4, 18, 19 और 20 के लिए याद रखिए, महत्वपूर्ण है। 4 तारीख स्नान यात्रा, 18 तारीख गुंडेश्वर मंदिर मार्गन, 20 तारीख को रथ यात्रा, 19 तारीख को नेत्रोत्सव शाम को 6:30 बजे। और अगर किसी को आर्टिस्ट स्पॉन्सरशिप करनी है मंदिर में तो आप यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं, उसका डोनेशन का मूल्य रखा है 3500 रुपये। इंक्लूड अगर किसी को आरती करनी है, मतलब जब जगन्नाथ जी बाहर जाते हैं और रस्ते पर अगर आपको भगवान की आरती उतारनी है तो उसका मूल्य रखा है 5100 रुपया। और किसी को कुछ भी तरह का डोनेशन देना है तो ये पैम्पलेट आप लेके जाइए, लोगों को बताइए, आप खुद भी करिए और वस्तु के रूप में भी लेंगे, जैसे कि धान्य है, अनाज है, जो भी है आपको देना है आप दे सकते हो। ये है जो पत्रक है आपको कृष्ण शिष्य प्रभु के पास या प्रेम प्रभु के पास से मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी सभी के लिए प्रसाद है, और दोपहर का जो सत्र है संडे ऑफिस का वो बहुत सुंदर प्रवचन है गजेंद्रानंद प्रभु के द्वारा, तो कृपया उसके लिए आइए। शाम को इस्कॉन फोरम का प्रोग्राम है, उसी के लिए भी आइए, जो यहाँ पे युवा है 15 से 30 के उम्र में, तो उनके युवाओं के लिए प्रवचन तो प्रोग्राम रहता है, बहुत सुंदर प्रोग्राम रहता है, प्रवचन डांस ड्रामा और उसके बाद सभी के लिए सुंदर प्रचार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ग्रंथराज भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।